अभी मैं 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आया हूँ। कुछ जगह तो चढ़ाया है, कहीं पे जाके बहुत खड़ी चढ़ाई आ गई थी तो पैदल पार किया है मैंने, क्योंकि बैग का वजन और बैग का पीछे होना बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है मेरे लिए। और अभी मैं उस चढ़ाई के बाद में, अब वो चढ़ाई के ऊपर जो टॉप होता है वहाँ पे हूँ। अब यहाँ से ढलान शुरू होगी, थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करके फिर मैं उतरूँगा। और बारिश आने वाली किसी भी टाइम, मेरे पीछे आप बादल देख रहे हो, वो बादल की तरफ भी मेरे को जाना है और वो बादल भी मेरी तरफ बढ़ रहा है, मतलब कभी भी बारिश हो सकती है। तो बारिश होने से पहले मैं किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहता हूं जहां मुझे सिम मिल जाए और 1 घंटा रेस्ट कर लूं, फिर देखता हूं। आज आज में मुझे काठमांडू शहर पार करना है तो देखते हैं बाकी। ये चंद्रागिरी है, चंद्रागिरी यहाँ पे वो पहाड़ के ऊपर देख लो बादल कितने, बारिश वाला मौसम हो रहा है। वो ट्रॉली है, वो ट्रॉली जा रही है, वो ट्रॉली मुझे इन पहाड़ियों को पार करना है। ये अब तक की सबसे खड़ी चढ़ाई है और 1 किलोमीटर हो चुका है मुझे। साइकिल को, मतलब क्या कहते हैं इसको, पैदल चलते हुए साइकिल के साथ 1 किलोमीटर से चल रहा हूँ। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है अब तक की, आगे का पता नहीं मुझे। जितना सोचा था उससे काफ़ी मुश्किल है पहला दिन, पर डजेंट मैटर, हर चढ़ाई के बाद ढलान भी तो आती है तो उसमें मज़े से हवा मिलती है और उतना ही टाइम सेव हो जाता है। अगर ये प्लेन सड़क हो तो मैं एक एवरेज स्पीड पे चलूँगा, अभी मैं पैदल चल रहा हूँ तो ढलान आने पे उतना ही डबल ट्रिपल स्पीड हो जाती है। सिम मैंने लिया नहीं है, एक्चुअली मिला नहीं मुझे, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को नेपाल बंद होता है, काठमांडू बंद होता है। जैसे हमारे यहाँ संडे होता है, यहाँ सैटरडे को देखो सैटरडे को यहाँ बंद होता है। ट्रकों से मेन प्रॉब्लम है, ट्रकों का मेन रिस्क है, हमेशा लेफ्ट में चलना है। और पहला दिन है, बाकी मैं अभी जहाँ रुकूंगा तो मैं वहाँ स्ट्रेटजी बनाऊंगा। सिम मेरे पास है नहीं इसलिए मैं किसी के टच में भी नहीं हूँ। पेन बाइक ने कहा था मुझे अपनी लोकेशन सेंड करते रहना, तो मुझे सिम मिला ही नहीं, आज सारी दुकानें बंद है। देखता हूँ अगर कहीं वाईफाई वगैरह मिल गया। काठमांडू शहर ख़त्म हो चुका है, थानकोट जो है वो मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट था काठमांडू का। अब जंगल और पहाड़ शुरू होंगे, देख लो। आपको दिखाने के लिए मुड़ा, साइकिल पीछे जाने लग गई। ओके, अब ढलान शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे आप मौसम देख रहे हो कैसा है, ढलान शुरू हो चुकी है और अभी टाइम 2:30 बज रहा है। 3-3:30 बजे मैं कुछ खाने की जगह ढूंढूंगा, रेस्ट करूंगा 1 घंटा और फिर देखता हूँ कितनी दूरी कवर करता हूँ। और जो भी आसपास आबादी वाली जगह मिलेगी वहाँ पे स्टे करने की कोशिश करूँगा।